हेलो जी, नमस्कार। मैं हूँ आपका अपना शेफ हरपाल। कैसे आप लोग सब? मैं बहुत दिनों से मैं सोच रहा हूँ आपके लिए ये रेसिपी बनाऊँ। बड़ी सिंपल है, मुझे याद है मैंने कई जगहों पे बनाई है और सबको बड़ी पसंद आई है। बेसन वाली भिंडी एकदम मज़ेदार। वैसे ही सबको अच्छी लगती है और उसे किसी भी प्रकार में लोगों को खिलाओ, सबको मजा आता है। सबसे पहले मेरा अंदाज यहां चलता है। सही, बिल्कुल ठीक है जी। क्या करेंगे, छोटा सा मसाला रोस्ट कर लेंगे। ये कढ़ाई ले लेते हैं, ठीक है जी। इसमें एक बड़ा चम्मच खड़ा धनिया, ये लीजिए, सौंफ आधा छोटा चम्मच, ठीक है जी, और जीरा एक छोटा चम्मच। ये लेके इसको ड्राई रोस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। तब तक भिंडी जो मेरे पास है यहाँ पे, ठीक है जी, ये भिंडी है। आप चाहें इतनी लंबी रख सकते हैं, लेकिन मुझे इतनी लंबी अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मैं ये जो भिंडी है ये छोटे में काट लेता हूँ। देखिए जितना छोटा काटेंगे उतना अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि एक तो सफाई हो जाती है, पता चल जाता है कीड़े वगैरह है या नहीं है, ठीक है, वो देख सकते हैं आप। दूसरा, बेसन के साथ जब लिपटती है भिंडी तो स्वाद बढ़ जाता है। इतने बड़े बड़े में अच्छा नहीं लगता, इसलिए ये काट लेते हैं इस तरह से। चलिए जी, भिंडी काट ली। अब ये मसाला भी तैयार है, इसे मैं या तो आप कूट सकते हैं बेलन से, मतलब दरदरा पीस सकते हैं। मैं अपने ब्लेंडर में दरदरा पीस लेता हूं। वाह, बिल्कुल तैयार। अब बनाने की विधि शुरू करते हैं। ये लीजिए, तेल डाल लेते हैं एक बड़ा चम्मच। थोड़ा सा ज्यादा भी डलेगा तो चल जाएगा, क्योंकि भिंडी बेसन दोनों को भूनना है, राइट। गरम तेल में सबसे पहले डालूंगा हींग, ठीक है जी, हींग डाल लेते हैं। अजवाइन थोड़ी सी डालें, एक चौथाई छोटा चम्मच, ये डाल लिया अजवाइन। प्याज, हरी मिर्चें, एक प्याज को इस तरह से चौकोन काट लें, हरी मिर्चें डालें। वाह क्या बात है। और साथ ही साथ मैं इसमें भिंडी डाल दूंगा, भिंडी को पकाएंगे। ऐसे में नमक डाल लूंगा मैं, करिए नमक चमक, टने टने टने, ये लीजिए थोड़ा, बस नमक डाल लिया। इसे भूनिए 4-5 मिनट तक मैक्सिमम, ठीक है जी। छोटा काटने का मकसद यही है कि भिंडी भी जल्दी पक जाए और फिर नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे। मसाले अभी नहीं डालूंगा क्योंकि सारे मसाले जो है जल जाएंगे। तो चलिए जी, हमने 4-5 मिनट पकाने को कहा था। जैसे ही 4-5 मिनट हो जाते हैं, भिंडी पूरी पकती नहीं है, रिमेंबर दैट, वो थोड़ी सी पक जाती है, उसमें जो लेस है वो ख़त्म हो जाता है। मैं अपने मसाले इसमें डाल लूँगा। यहाँ पे आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च डाल दीजिए पाउडर, ठीक है जी। धनिया पाउडर, ये एक छोटा चम्मच, ये डालें। आमचूर पाउडर, ये ज़रूर डालें एक छोटा चम्मच। खटास चाहिए मुझे इसमें। हल्दी, ये एक चौथाई छोटा चम्मच, ये डाल दिया हमने। इसको चटपटा बनाने के लिए मैं चाट मसाला यूज़ कर रहा हूँ, ऑप्शनल है, आधा छोटा चम्मच डाल लें, ठीक है। और ये जो मसाला मैंने पीसा था, ये देखिए, ये दरदरा सा, इसकी खुशबू बहुत ही बेहतरीन। आधा मैं अभी डाल लेता हूँ, थोड़ा सा बचा के रखा हुआ। साथ ही साथ बेसन, बेसन हमने डाला है यहाँ पे 3 बड़े चम्मच। अच्छा, मज़े वाली बात यही है कि बेसन जो है लग जाएगा भिंडी में और हम भुनाई करेंगे। हमने शुरू में क्यों नहीं डाला, क्योंकि भिंडी जो है ना पकेगी नहीं, पकने में दिक्कत आएगी और उसका जो लेस है वो बेसन चिपक जाएगा तो भिंडी पकेगी नहीं जल्दी। आप कोशिश कर सकते हैं ये तरीका, और ये मेरा मानना है, थोड़ा सा मॉइस्चर जो भिंडी में है वो बेसन को मिल गया, उससे एक बढ़िया टेक्सचर बन जाएगा और बेसन अच्छे से पक भी जाएगा। तो अब इसे वापस
धीमी आंच पे 4 से 5 मिनट और पकाना है। चलिए धीमी आंच पे हमने 5 मिनट और पका लिया, भिंडी बढ़िया पक गई है। फाइनली मेरे पास धनिया है, ये धनिया डाल ले, इससे खुशबू वगैरह और बेहतरीन हो जाती है। वाह मज़ेदार, तेज आंच में मत पकाइएगा, बेसन जल जाएगा और फिर आपको मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। अब ये भिंडी बिल्कुल परफेक्ट, मेरा इंडक्शन बंद, परोसने के लिए मैं यहाँ तैयार। ये देखिए, वाह ये देखिए, वाह जी वाह। हेलो जी, सिंपल रेसिपी लेकिन मज़ेदार रेसिपी है भाई। अब ये रेसिपी आप अगर घर पे बनाएंगे ना, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। और भिंडी वैसे ही बच्चों की फेवरेट होती है, इस अंदाज में बनाइए, बच्चे बुजुर्ग सबको मज़ा आएगा भाई। हर पल हर पाल विद ग्रेट रेसिपीज, है ना। तो आ जाइए मेरे संग और बढ़िया रेसिपीज बनाइए, कभी भी फेल नहीं होंगे आप।